नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है कि गर्माहट बनी हुई होती है यहां की सियासत में, लेकिन चुनावी साल है और चुनावी साल में ये गर्माहट बढ़ गई है। और आज गर्माहट इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि एक बयान सामने आया है, एक ट्वीट सामने आया है और एक वीडियो सामने आया है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। बिहार की सियासत में एक बार फिर DNA है। हम उन सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ BJP के मुखर प्रवक्ता हैं निखिल आनंद जी। सवाल आप जानते हैं, बता देता हूं। सवाल यह है कि JDU के नेता प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वो वीडियो 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान है जिसमें बिहार के डिप्टी CM और BJP के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और BJP नीतीश कुमार पर कई लोगों के साथ विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की बयानबाजी है, लेकिन वे दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस बयान पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है? देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर का कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर है ही नहीं। वो एक प्योरली बिजनेसमैन है और वो भाड़े के टट्टू हैं और पैसे लेकर राजनीतिक दलाली करने का काम करते हैं। अभी तक मुझे लगता था कि उनको वर्बल डायरिया है, लेकिन डायग्नोज करने के बाद पता चला कि उनको इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन है और इलाज के बगैर वो लगातार वर्बल अब्यूज लॉन्च कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी के लिए भी असुविधाजनक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो नीतीश कुमार जी को भी टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान गठबंधन हितों के खिलाफ है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी को निशाना साधा और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को निशाना साधा और वो जो लोगों को समझा रहे हैं कि क्रोनोलॉजी, तो वो जिस इलाके में उनकी पैदाइश है वहाँ का पहले वो कोलोकियल समझे। ऐसे ही लोगों के लिए जो समाज में राजनीति में शब्द है थेथर और लतखोर, तो राजनीति में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। अगर राजनीति में उनकी जो भी हैसियत है वो नीतीश कुमार जी की मर्सी पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि लालू जी, केजरीवाल जी और ममता बनर्जी के पेरोल पर अब राजनीतिक हैसियत बनानी है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार में उनकी अगर कोई राजनीतिक हैसियत उनको बताना है तो जाकर के अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ लें और जीत कर दिखाए, तो मैं मानूंगा कि उनकी बिहार में भी कोई राजनीति। एक सवाल बेहद जरूरी है और इस सवाल पर ईमानदारी से जवाब की अपेक्षा होगी। पवन वर्मा ने लेटर लिखा, पत्र लिखा, अपनी ही पार्टी के नेता की नियत पर सवाल उठाए, पार्टी के संविधान पर सवाल उठाए और ये कहा कि पार्टी जो कर रही है वो पार्टी के संविधान के अनुकूल भी नहीं है। पवन वर्मा को लेकर नीतीश कुमार ने दो बार बयान दिया। पहली बार ये कहा कि पवन वर्मा की मैं इज्जत करता हूं, अगर वे कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार ये कहा कि पवन वर्मा के लेटर का कोई मतलब नहीं है, वो लेटर भी लेटर है क्या? पवन वर्मा के बारे में नीतीश कुमार दो बार कह चुके हैं, प्रशांत किशोर जिसके बारे में अभी आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं है, प्रशांत किशोर को लेकर उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, हालांकि वे अभी JDU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं हैं, तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं उन पर, नहीं चाहते हैं? और BJP ये मानती है या नहीं मानती है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो गठबंधन धर्म के अनुकूल है, नहीं है? देखिए, प्रशांत किशोर जी JDU में अगर हैं तो JDU का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें तो बयान देने की तब ज़रूरत पड़ी जब उन्होंने हमारे नेताओं पर निशाना साधा गठबंधन हितों के खिलाफ। अगर JDU में कोई पॉलिटिकल लाइन एक्सीड कर रहे हैं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके बयान गठबंधन हितों के खिलाफ है, हमारे नेताओं पर व्यक्तिगत सीधी टिप्पणी वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ पवन वर्मा के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए भी होगा, लेकिन अगर वो JDU के सदस्य हैं तो JDU के लोगों को जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात कि क्या अगर JDU में है भी तो JDU में क्या उनकी हैसियत नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ी है, ललन सिंह RCP सिंह जो राज्यसभा लोकसभा में नेता हैं उनसे बड़ी है, क्या वो वशिष्ठ नारायण सिंह जी से ज़्यादा अनुभवी मानते हैं? अगर ऐसी बात है और JDU के लोग उनको सम्मानित नेता मानते हैं तो JDU को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या तो प्रशांत किशोर माफ़ी मांगे और अगर वो JDU के सदस्य हैं तो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के संदेश के बाद वो बेशर्म बन चुके हैं। अगर उनका संदेश प्रशांत किशोर के लिए भी था तो प्रशांत किशोर इस तरह की बयानबाजी अब नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो ये बिल्कुल ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था, आखिरी सवाल है, उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि या फिर ये कोई हिडन एजेंडा है। सवाल यह है कि
पवन वर्मा पर तो कार्रवाई नहीं होगी, ये संकेत दे दिया गया कि अगर वे खुद जाना चाहते हैं तो चले जाएं। प्रशांत किशोर के बारे में सीएम नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कहा है, तो क्या बीजेपी को लगता है कि वाकई कोई हिडन एजेंडा है? नहीं, हिडन एजेंडा की बात नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसे बहुत ही अनुभवी काबिल और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीए गठबंधन के लिहाज से है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। नीतीश कुमार जी बहुत साफगोई से राजनीति करते रहे हैं, हम लोगों को भी प्रेरित कई बार करते हैं, लेकिन जो सीएए पर उन्होंने स्टैंड लिया है, एनपीआर पे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और सबको पता है कि सीएए नागरिकता सेंसस और सिटीजनशिप इत्यादि जो हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी बोलें उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जो सभी राज्यों पर लागू होता है। अब ये दावेदारी की बात जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पार्टी के लाइन से अलग जा रहे हैं या फिर वो नीतीश कुमार जी को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जेडीयू के भीतर की बात है तो जेडीयू के भीतर पार्टी फोरम पर डिस्कस करते हैं। इस तरह से पब्लिक एक आखिरी सवाल है आपसे निखिल जी, जो वीडियो प्रशांत किशोर ने डाला है वो वीडियो तो एडिटेड नहीं है, वो वीडियो कोई फर्जी वीडियो तो है नहीं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी वाकई ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कई लोगों को धोखा दिया है, छला है, जो भी उनका उस वीडियो में वो कहते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि 2017 के बाद क्या नीतीश कुमार बदल गए, बीजेपी की राय बदल गई, ये सवाल तो देखिए ना, राजनीति में नीति नैतिकता सिद्धांत की बुनियाद पर, संगठन की बुनियाद पर राजनीति करना कोई भी व्यक्ति भाजपा से सीख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नोस्टाल्जिया में जाकर कब्र खोदकर राजनीति नहीं होती है, वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। प्रशांत किशोर जी अपनी बात उस नोस्टाल्जिया में और कब्र खोदकर अपने को जस्टिफाई करना चाहते हैं, लेकिन आज देखिए राजनीति बड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होती है, और आज के तात्कालिक संदर्भ में देखें तो एनडीए एक मजबूत गठबंधन है जिसमें दो नेता बिहार में नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी के मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसमें कहीं से भी कोई विवाद जैसी बात नहीं है। और उस तरह से कभी नीतीश जी ने भी कुछ कहा होगा, कभी रामविलास पासवान जी ने कहा होगा, तो ये कई बार एक तो होता है पॉलिटिकल लाइन लेना, दूसरा एक आइडियोलॉजिकल लाइन लेना। आइडियोलॉजिकल लाइन में हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एनडीए एक जो पॉलिटिकल बयान था। तो निखिल आनंद जी हमारे साथ है और तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। प्रशांत किशोर जाहिर है निशाने पर होंगे बीजेपी के, और प्रशांत किशोर पर निशाना साध भी रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जिस तरीके से आज उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की क्रोनोलॉजी समझिए। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।